हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी का इंडियन ट्विंस मॉम आर्या के चैनल में स्वागत है। तो यहाँ पे डेकोरेशन चल रही है बर्थडे की, और क्योंकि आज 5 फरवरी है तो 5 फरवरी के दिन मेरे बच्चों का बर्थडे होता है, तो बस वही डेकोरेशन चल रहा है यहाँ पे। तो बस मैं दूर खड़ी वीडियो शूट कर ले रही हूँ। मैंने जो चलो थोड़ा सा डेकोरेशन का वीडियो शूट कर लेते हैं। ऐसे तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रही थी क्योंकि दवा वगैरह ली रखी थी, तो थोड़ा सा सही था। और मेरे हस्बैंड ठीक थे, वही बच्चों को देख रहे थे। मैं तो पूरे दिन घर में ही पड़ी हुई थी, बट जब डेकोरेशन के लिए आया तो मैं आ गई देखने के लिए कि कैसे वो डेकोर कर रहा है। तो मैंने उसे थोड़ा बहुत बताया और कि कैसा मुझे डेकोरेशन चाहिए, तो बस डेकोर कर लिया है। बच्चे सुबह से परेशान कर रहे थे कि मम्मा आज हमारा बर्थडे ना, वो लोग 1 महीना पहले से ही बोल रहे थे मम्मा हमारा बर्थडे कब आएगा, बर्थडे कब आएगा। लेकिन जब उनका बर्थडे आया तो ऐसा हुआ कि हम लोग ऐसे कंडीशन में नहीं थे कि बच्चों का बर्थडे भी सेलिब्रेट करें। इन सबका तबीयत ख़राब हो रखा था, मेरा भी, मेरे हस्बैंड का तो टेस्ट पॉजिटिव ही आ गया था, तो सभी डर गए थे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और कल बच्चों का बर्थडे था, कल हम सब में से कोई भी ठीक नहीं था, बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैं तो कल बहुत ज़्यादा ही बीमार थी, आज थोड़ा सा हल्का फील कर रही हूँ। और बच्चों का भी थोड़ा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, इस वजह से हम लोगों ने कोई बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट नहीं किया। डेकोर वाला आया था, डेकोर करके चला गया, और प्लस केक वगैरह भी आ गया था, सब फ्रीज में रखा हुआ है। तो देखते हैं, आज थोड़ा सा बेहतर फील कर रहे हैं हम लोग, तो सोच रहे हैं आज बच्चों का केक कटिंग करा देंगे। ऐसे ही मास्क पहन के ही रहना है क्योंकि तो फीवर कफ कोल्ड ये है, लेकिन बच्चों तक ना जाए इसका ध्यान हम लोग को रखना है। बस हस्बैंड जी का जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आ गया था, और उनके थ्रू मुझे हो गया। बच्चों का भी थोड़ा थोड़ा हुआ था, लेकिन अभी वो लोग ठीक है, टीवी देख रहे हैं। तब तक मैं इधर देखिए सब सफाई कर रही हूँ, सारे बेडशीट चेंज कर रही हूँ, उस रूम का चेंज करना है और सारा क्लीन करना है। तो थोड़ा सा हल्का फील कर रही हूँ, तो सोचा कि चलो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसे मैं अगर पड़ी रहूँगी ना बेड पे तो बच्चों को देख के ना इतना रोना आ रहा है और वो लोग अलग रो रहे हैं मुझे देख के। तो चलिए मैं ये सारी सफाई कर लेती हूँ, काम कर लेते हैं ये सब, तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए बेडशीट वगैरह मैंने पूरा हटा दिया है, कल रात में श्रेयांश वोमिट वगैरह भी कर दिया था। कल रात में बहुत टेंशन हो गया था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, सोचे कि हॉस्पिटल लेके जाए, फिर रात में कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिलता, इमरजेंसी में लेके जाना पड़ता। तो लेकिन फिर हम लोग दवा दिए तो अभी वो ठीक है बस। और सोचा ही नहीं था हम लोगों ने कि ऐसा बच्चों का बर्थडे होगा, मतलब क्या सोचा था और क्या करना पड़ा हम लोगों को। खैर तबीयत खराब होना होता है तो हो ही जाता है, ये तो बता के आता नहीं है। और बहुत ज़्यादा कल मुझे सर में दर्द था, आँख में दर्द और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा, रात से फीवर स्टार्ट हुआ मुझे। कल फीवर तो नहीं आया लेकिन पेन बहुत ज़्यादा था। तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं ये सारा सामान समेट लूँ, फिर बच्चों को नहलाना है धुलाना है, जो भी काम करूँगी मैं मास्क पहन के ही। अभी मैंने दूसरा मास्क चेंज किया है, और वही है थोड़ा सा तो सतर्क रहना है बच्चों के कारण। और मैं यहाँ दूसरे कमरे में आ गई हूँ सफाई करने के लिए। तो इस कमरे में पहले पतिदेव थे, जब वो उनका तबीयत ख़राब था और जस्ट उनका देखभाल करते करते मेरा तबीयत ख़राब हो गया, तो फिर मैं भी इसी रूम में थी। लेकिन थोड़ा सा हल्का फील कर रही थी, इस वजह से मैं थोड़ा सफाई कर ले रही हूँ क्योंकि बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते हैं। तो बस यहाँ मैंने डेटॉल ले लिया है, डेटॉल पानी में डाल के, और मैं पूरा बेड साफ़ कर रही हूँ क्योंकि खांसना छींकना तो कहाँ कहाँ टच हुआ रहता है। तो मैंने सोचा चलो सारा ही साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे आ जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, समझ नहीं आएगा कहाँ कहाँ टच कर देंगे। तो मैं बस डेटॉल से सब साफ़ कर ले रही हूँ सब कुछ। और इस रूम का बेडशीट मैंने पहले ही हटा दिया हुआ है, जो भी हम लोग ओढ़े थे वो सब मैंने हटा दिया है मशीन में डालने के लिए। और यहाँ इस रूम में ये चेयर वगैरह भी था, तो मैं सारा क्लीन कर ले रही हूँ, सब पोछ ले रही हूँ क्योंकि बच्चे तो मानेंगे नहीं बात, और एक जगह वो रहते ही नहीं हैं। तो मैंने सोचा चलो ये सारे काम लगे हाथ ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद फिर नहा धुआ लूँगी, तब थोड़ा सा हल्का फील होगा। तो बस यहाँ पे मैं
मूंग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ और बच्चों को जस्ट अभी मैं ब्रेकफास्ट देके आई बना के, और सफाई का पूरा हो गया है, बस बच्चों का आज केक कटिंग करा दूँ। सबसे बड़ा वो काम है कि मैं आज उन लोगों का केक कटिंग करा दूँ, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर में नहला धुला के केक कटिंग करा दूँगी, उसके बाद फिर हम लोग पूरे दिन थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह से उठ के मैं भी बेडशीट चेंज करना, झाड़ू पोछा, मैं यही सब कर रही हूँ, क्योंकि अब पतिदेव का जो था कोविड पॉजिटिव आ गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा डर, बच्चों की वजह से मेरी इतनी तबीयत खराब, तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ ताकि बच्चे कहीं भी खेलेंगे ना तो थोड़ा टेंशन नहीं होगा। तो सब मैंने डेटॉल डाल के, लाइजोल डाल के मैंने सफाई किया, और अभी मैं नहा ली हूँ तो थोड़ा सा मुझे फ्रेशनेस सा फील हो रहा है, और बस मैं खाने के लिए बना ले रही हूँ, और उसके बाद देखते हैं बच्चों को थोड़ा बहुत नहला के और उनको रेडी करके और फिर केक कटिंग कराएंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। और इतना ज़्यादा वीकनेस हो गया था कि सब कुछ सफाई करने के बाद कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो बस मैंने सोचा चलो मूंग दाल की खिचड़ी बना लेते हैं और सभी वही खा लेंगे और सही भी रहेगा, इजी डाइजेस्ट हो जाएगा। और यहाँ देखिए बच्चे रेडी हो गए हैं, तो बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करना था, कुछ नहीं हो पाया, बहुत बुरा लग रहा था। बच्चों का बर्थडे एक होता है तो कितनी एक्साइटमेंट होती है, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी एक्साइटेड होते हैं अपने बच्चों के बर्थडे के लिए। हम लोगों ने भी बहुत कुछ सोचा था बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग जाके ड्रेस वगैरह ले आए थे, सारी प्लानिंग हो गई थी, लेकिन सडनली ऐसा हो गया, सारा सब कुछ शॉपिंग हो गया था, केक हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था, और फिर से केक ऑर्डर करने के बाद डेकोरेशन वाले को भी हम लोगों ने पहले से बोल दिया था, लेकिन बस एक दो दिन बर्थडे के एक दो दिन पहले ऐसा हो गया कि सबकी तबीयत खराब हो गई। मेरे उस डांस का ऐसे करते हैं ना भाई, डांस में ना मामा ऐसे करते हैं, मेरे डांस में डिंगल बेल वखाए हैं, डिंगल घंटी डिंगल घंटी डिंगल घंटी। हम लोगों ने तो बर्थडे के लिए बहुत कुछ ही सोचा था बच्चों के बर्थडे के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। मीन्स फिर तो बर्थडे के लिए बहुत कुछ सोचा था बच्चों के लिए, लेकिन देखिए मास्क लगा के बच्चों के सामने रहना पड़ रहा है, यहाँ तक कि इन लोगों को टच तक नहीं करना पड़ रहा है। अब क्या कह सकते हैं, ये है वक्त, वक्त कब कैसा रहे पता नहीं चलता। तो बस यहाँ पे मैंने गाना बजा दिया था और सुगु डांस कर रही थी एज ऑलवेज, जैसे कि ये डांस करती है और श्रेयांश नहीं करता है, तो बस मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इन लोगों का कुछ इंटरटेनमेंट कर दिया जाए, तो मैं गाना बजा दी थी और ये डांस कर रही थी। श्रेयांश इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है डांस के लिए, और शिवांगी हमेशा डांस में इंटरेस्ट लेते रहती है, तो बस वो करते रहती है। तो यहाँ पे बच्चों का जो भी बाकी तैयारियाँ था वो सब पति देव ही कर रहे हैं, वही इन दोनों को नहलाएं तैयार किए, मैं बिल्कुल भी टच नहीं की दोनों को, मुझे वो करने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि मुझे खांसी भी थी और जुकाम भी था, तो बोले कि नहीं तुम अभी टच बिल्कुल भी नहीं करो, क्योंकि उनका नहीं था, उनका ठीक हो गया था, तो इस वजह से वही बच्चों का देखभाल कर रहे थे। और बस मैं दूर दूर से बच्चों को देख रही थी, मैं जैसे पास भी जा रही थी तो ये मुझे वहाँ से हटा दे रहे थे, और यहाँ भी मैं काफ़ी दूर दूर ही रह रही थी, वो मुझे सच में टच नहीं करने दे रहे थे। कभी कभी तो बहुत बुरा लग रहा था कि बच्चों का बर्थडे हम लोग इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं उन्हें टच भी नहीं कर सकती, वो लोग मुझसे बार बार बोल रहे थे मम्मा मुझे प्यार करना है। और ये रहा बच्चों का प्यारा सा केक, और केक मैंने इतना सेलेक्ट करके इतना प्यार से ऑर्डर किया था ना, और इस तरीके से केक कटिंग करना पड़ रहा है, मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ बच्चे बिल्कुल रेडी हैं केक कटिंग के लिए, और पापा टीका लगा रहे हैं बच्चों को, और मैं दूर से बस वीडियोस बना रही हूँ, मैं तो पास भी नहीं गई केक कटिंग के समय, बस केक लेके आई और वही गई, और बस ऐसे ही हम लोग बच्चों का केक कटिंग कर रहे हैं, और बस बच्चों की एक्साइटमेंट थी, बहुत ही खुश थे बच्चे, और बस इतना ही केक कटिंग कर देना हम लोग, तो वो लोग बहुत खुश हो गए थे और अच्छे से प्यार से खेले भी। Thank you.
और ये दोनों का है, दोनों का खेलो, दोनों का इससे खेलोगे, ठीक है? ठीक है, और इसी ना दोनों खेलोगे, ठीक है? इसमें क्या है? अच्छा है, गिफ्ट कैसा लगा? अच्छा लगा, और ये वाली दोनों का है, ठीक है? बाद में ओपन करेंगे, ठीक है? हाँ लेके चलिए वो केक, उन लोग को साफ कर दे। मम्मा विल टेक इट, पूजा आप निकाले तो गिर दे उसको, मगर अरे वहां पे नहीं, पापा टांग लेंगे बेटा। बाद में स्पाइडरमैन। और आप लोग उधर जाइए बेटा। ये शिवांगी सर। This is me. And she's vlog. This is me. For winter season. तो अभी बच्चों का तो केक कटिंग हो गया, ये लोग अपने टॉय से खेल रहे हैं, और ये केक कटिंग होने के बाद इन लोग के चेहरे पे एक अलग सा ग्लो है, अलग सी खुशी है। मेन ये सारी चीज बच्चों के लिए होता है, और सोचा तो हम लोगों ने बहुत कुछ था लेकिन उस तरीके से नहीं कर पाए। और अभी भी मैं सुबह में खाना खाने के बाद मैंने दवा लिया, तब मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही थी, नहीं तो तभी मेरा सर थोड़ा थोड़ा हेवी लग रहा था और थोड़ा सा पेन सा फील हो रहा था, बट अभी थोड़ा सा सही लग रहा है। तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और बच्चों को भी बस प्रतिदेव खिलाएँगे, और उसके बाद फिर ये लोग भी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि श्रेयांश भी रात में बहुत परेशान किया है, इसकी भी तबीयत रात में ख़राब हो गई थी, तो ये ढंग से नहीं सो पाया है और हम लोग भी नहीं सो पाए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग को आज मैं एंड करती हूँ, और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, बेटा दूर रहो। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ चलिए, अब चलिए आप लोग उधर जाइए, उधर बैठिए।